हेलो फ्रेंड्स, आई होप सभी कोई अच्छे होंगे। ठीक है, इस वीडियो लेक्चर में हम प्रतियोगिता दर्पण सितंबर 2021 सॉरी यहाँ पे 2021 लिखा गया 2021 के मैगजीन को हम बहुत अच्छे तरीके से क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, और हम पूरे मैगजीन को डिस्कस करने वाले हैं, और हमारे ये वीडियो लेक्चर दो तीन सीरीज में आने वाले, तीन चार सीरीज हो जाएंगे। ठीक है, जो भी कोई इस चैनल पर नए हैं, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें इसको, और बेल आइकन दबा दें ताकि हमारे नेक्स्ट मंथ की या फिर नेक्स्ट मंथ की कुछ भी अपडेट आएंगे तो आपको वो मिलती रहे। ठीक है, ये इंग्लिश मीडियम में होगा बट एक्सप्लेन हम इसे हिंदी में करेंगे। ठीक है, तो आइए वीडियोज को शुरू करते हैं। ठीक है, इसमें हम देखेंगे, इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे नेशनल करंट अफेयर। ठीक है, नेशनल से रिलेटेड जो भी करंट अफेयर रहा है सितंबर 2021 के मैगजीन में प्रतियोगिता दर्पण के, उसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे अच्छे तरीके से। ओके, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट न्यूज है, इंडिया जॉइंस G20 OECD टैक्स फ्रेमवर्क डील फॉर ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स। इंडिया ज्वाइन किया है G20 और OECD। OECD मीन्स ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड डेवलपमेंट के द्वारा एक टैक्स फ्रेमवर्क लाया गया है। वो कौन सा टैक्स फ्रेमवर्क है? ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स, उसको इंडिया ज्वाइन किया है। ठीक है, OECD ने स्टेट किया है कि इस टैक्स फ्रेमवर्क को 130 कंट्रीज इंक्लूडिंग G20 मेंबर्स इंडिया एंड चाइना ने इसको ज्वाइन किया है। ठीक है, ये ग्लोबल कॉर्पोरेट टैक्स जो होगा वो इफेक्टिव होगा 2023 से। ओके, 2023 से क्या होगा, इफेक्टिव होगा। ओके, और ये लगाया जाएगा है ना ग्लोबली ऑपरेटिंग कंट्रीज पे 15% उनके जो प्रॉफिट मार्जिन होगा, जितना ही मान लो वो 100 का प्रॉफिट किया है ना, उसमें से जो 10 होगा उसका 15%, ओके है ना, उसका 15% ये टैक्स लगाया जाएगा उन पे। ग्लोबली ऑपरेटिंग कंपनीज बोलने का मतलब जैसे फेसबुक हो गए, गूगल हो गए, ये सारी क्या है, ग्लोबली ऑपरेटिंग कंपनीज है, इन पे ही ये क्या लगाया जाएगा, ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स लगाया जाएगा 15% का, उनके प्रॉफिट मार्जिन 10% पे। ओके, हमारा सेकंड न्यूज है, सेकंड इंडिया घाना फॉरेन ऑफिस कंसल्टेशन 2021 हेल्ड एट एक्रा घाना। एक्रा क्या है? घाना का कैपिटल है। यहाँ पे हमारा सेकंड इंडिया घाना फॉरेन ऑफिस कंसल्टेशन हुआ। ठीक है, हमारे इंडिया को रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे किसने किया? राहुल छाबरा जी ने इंडिया का रिप्रेजेंटेशन किया इस सेकंड इंडिया घाना फॉरेन ऑफिस कंसल्टेशन में। ओके, ये राहुल छाबरा कौन है? सेक्रेटरी इकोनॉमिक रिलेशन के। ओके, इकोनॉमिक रिलेशन के सब सेक्रेटरी हैं। ओके, सेंट्रल गवर्नमेंट क्रिएट्स मिनिस्ट्री ऑफ कॉपरेशन टू स्ट्रेंथन कोऑपरेटिव मूवमेंट। ओके, सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक न्यू मिनिस्ट्री क्रिएट किया है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉपरेशन है ना, ताकि कॉपरेटिव मूवमेंट को और मजबूत किया जा सके। ठीक है, कॉपरेटिव मूवमेंट का प्रोविजन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ है? तो अंडर आर्टिकल 43 में, अंडर 40 आर्टिकल 43 किसके अंतर्गत आता है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ रखे गए हैं? आर्टिकल 36 टू आर्टिकल 51 तक। ओके, तो आर्टिकल 43 में है ना कॉपरेटिव सोसाइटीज़ की प्रमोशन की बात कही गई है। ठीक है, इसी को स्ट्रेंथन करने के लिए, कॉपरेटिव मूवमेंट को स्ट्रेंथन करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक न्यू मिनिस्ट्री क्रिएट किया है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉपरेशन। ओके, ठीक है, जिसे हम हिंदी में बोलेंगे सहकारिता मंत्रालय। ओके, और इस ये पहले किसके अंतर्गत आता था? तो पहले ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड एग्रीकल्चरल वेलफेयर के अंतर्गत आता था। डिपार्टमेंट कौन सा? डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कॉपरेशन एंड फार्मर वेलफेयर। अभी जो है ना एक न्यू ही मिनिस्ट्री बना दी गई है इससे निकाल के, वो क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉपरेशन, जिसे हम हिंदी में सहकारिता मंत्रालय बोलेंगे। ओके, फोर्थ न्यूज है हमारा, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ MM नरवा ने होल्ड हाई लेवल मीटिंग UK एंड इटली। हमारे जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है MM नरवणे जी ने, उन्होंने एक हाई लेवल मीटिंग किया है UK और इटली के साथ है ना, वहाँ के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, UK एंड इटली के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के साथ हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ MM नरवणे ने एक हाई लेवल मीटिंग होल्ड किया। कब से कब तक? 5th to 8th July 2021। ओके,
कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री है ना, इन पार्टनरशिप विथ मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर है ना, CII है ना, पार्टनरशिप ऑफ MEA ऑर्गेनाइज फर्स्ट एडिशन ऑफ इंडो पैसिफिक बिजनेस समिट 2021 है ना। इन दोनों ने मिल के एक फर्स्ट एडिशन जो है ना, फर्स्ट टाइम इंडो पैसिफिक बिजनेस समिट को ऑर्गेनाइज किया है, ठीक है। कब से कब तक किया था? 6 to 8 July 2021 ओवर वर्चुअल प्लेटफॉर्म, वर्चुअली किया इन्होंने इस समिट का आयोजन, ओके। इसका थीम क्या था? थीम इस समिट का डेवलपिंग ए रोड मैप फॉर शेयर्ड प्रोस्पेरिटी है ना, इसका थीम था डेवलपिंग ए रोड मैप फॉर शेयर्ड प्रोस्पेरिटी इस समिट का थीम था, ठीक है। ऑब्जेक्टिव था ताकि इंडिया या दूसरे कंट्री जो इंडो पैसिफिक रीजन में अच्छी तरीके से इकोनॉमिक पार्टनरशिप कर सकें, इकोनॉमिक को बूस्ट कर सकें, ओके। इंडिया गाम्बिया साइन मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग टू स्ट्रेंथन कोऑपरेशन इन गवर्नेंस रिफॉर्म है ना। इंडिया और गाम्बिया ने के बीच में एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुए हैं, जो जो किसके लिए साइन हुई है, ताकि है ना एक गवर्नेंस रिफॉर्म है ना, गवर्नेंस में जो भी रिफॉर्म आई लाई जाए, दोनों है ना कंट्री मिल के एक साथ काम करके कुछ ऐसे रिफॉर्म लाए ताकि हमारे गवर्नेंस इम्प्रूव हो है ना, अच्छी तरीके से चले, ओके है ना। तो दोनों कंट्री एक दूसरे को अपनी एक्सपीरियंस या फिर अपनी जो जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो शेयर करेंगे, ठीक है। किन किन मामले में? पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन मतलब है ना, ऑफिसर्स से रिलेटेड, या फिर गवर्नेंस रिफॉर्म है ना। और इंडिया के द्वारा इस इंफॉर्मेशन को गाम्बिया किसके द्वारा भेजा जाएगा? मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशन के द्वारा, जिसको हेड करेंगे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, ओके। इंडियन क्रिकेटर मिताली राज बिकम्स द लीडिंग स्कोरर इन ऑल फॉर्म ऑफ वुमेन्स इंटरनेशनल क्रिकेट है ना। हमारी जो इंडिया वुमेन्स इंडिया टीम क्रिकेट टीम की जो कैप्टन है मिताली राज, ठीक है, इन्होंने एक नया ही रिकॉर्ड बनाया कि है ना, जितने भी वुमेन्स हैं, वुमेन्स क्रिकेटर्स हैं, ठीक है, इंटरनेशनली सबसे ज़्यादा स्कोर इन्होंने बनाया, ठीक है, ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ वुमेन्स इंटरनेशनल क्रिकेट, ओके। हमारे जो इंडियन क्रिकेटर एंड वुमेन्स ODI कैप्टन जो मिताली राज है ना, 38 ईयर्स ओल्ड की, वो लीडिंग स्कोरर बन गई है, सबसे ज़्यादा स्कोर बनाने वाली महिला क्रिकेटर बन गई है, ठीक है, इंटरनेशनल क्रिकेट में, ओके। इन्होंने टोटल स्कोर किया है 10,277, ओके, इन 317 मैचेज, ओके। इन्होंने किसका रिकॉर्ड ब्रेक किया है? तो कार्लोट एडवर्ड्स का इन्होंने रिकॉर्ड ब्रेक किया, जिनका कुल स्कोर था 10,273 रन। और ये इन्होंने ये इनका रिकॉर्ड ब्रेक किया है, कहाँ पे किया है इन्होंने? तो है ना, फाइनल थर्ड एंड फाइनल वनडे इंटरनेशनल जो मैच हो रहा था इंग्लैंड और इंडिया के बीच में, कहाँ पे है ना, मैस्कट यूनाइटेड स्टेट, यहाँ पे इन्होंने इनका कार्लोट एडवर्ड्स का रिकॉर्ड जो था 10,273 रन का मिताली राज ने ब्रेक किया है ना। इंडिया जॉर्जिया एग्रीज टू वर्क जॉइंटली टू फर्दर स्ट्रेंथन टाइज ड्यूरिंग एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एक्स जयशंकर विजिट। इंडिया और जॉर्जिया ने एग्री किया है कि वो इंडिया के साथ अपना जो रिलेशन है उसको मजबूत करेगा है ना। ये डिसीजन उन्होंने कब लिया? जब हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर ने गाम्बिया का वहाँ विजिट किया, ओके। इन्होंने बोला कि हम बायलेटरल इकोनॉमिक कॉपरेशन ट्रेड एंड कनेक्टिविटी में एक दूसरे की हेल्प करेंगे, एक दूसरे को मदद करेंगे है ना। इंडिया नेपाल साइंस लेटर ऑफ इंटेंट टू रिवाइज 2004 इंडिया नेपाल रेल सर्विस एग्रीमेंट, ठीक है। हमारे जो इंडिया एंड नेपाल के बीच में एक लेटर ऑफ इंटेंट साइन था इंडियन रेलवे सर्विस से रिलेटेड, तो उसको रिवाइज किया गया है ना, एक लेटर ऑफ इंटेंट साइन करके, ठीक है। इसमें इस रिवाइज एग्रीमेंट में एक फैसिलिटी को जोड़ा गया, वो क्या है कि नेपाल अपनी कोई भी इंपोर्ट या एक्सपोर्ट सामान जो करेगा या गुड्स का करेगा, वो थ्रू इंडियन रेलवे के थ्रू कर सकता है,
ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि नेपाल क्या है, एक लैंडलॉक्ड कंट्री है और चारों तरफ से वो लैंड से घिरा हुआ है। ठीक है, अगर कहीं से वो इम्पोर्ट आती है तो उसके पास कोई भी पोर्ट नहीं है, पोर्ट इंडिया के पास ही है, वो इंडिया का पोर्ट यूज करेगा, वहाँ पे अपने सामान को इम्पोर्ट या इम्पोर्ट के लिए एक्सपोर्ट के लिए वहाँ पे रखेगा, फिर वो रेल के द्वारा है ना वो नेपाल ले जाएगा या ले आएगा। ठीक है, ये फोर्स में कब से आएगा, 9 जुलाई 2021 से आ गया है। ठीक है, फ्राइट सेक्टर में रिफॉर्म के लिए एग्रीमेंट को रिवाइज किया गया है। ठीक है, ताकि आवागमन जो हो सके गुड्स का वो अच्छी तरीके से हो सके, स्ट्रेंथन हो सके और कॉस्ट कंपनी कम लागत में हो सके। ठीक है, और इफिशेंसी लेवल बढ़े, इसलिए इस एग्रीमेंट को रिवाइज किया गया। ठीक है, पोस्ट मीटिंग ऑफ इंडिया यूके फाइनेंशियल मार्केट्स डायलॉग होल्ड हेल्ड वर्चुअली। ठीक, इंडिया और यूके के बीच में जो फर्स्ट और टाइम जो हुआ फाइनेंशियल मार्केट डायलॉग, वो कहाँ हुआ, वर्चुअली हुआ। ठीक है, 8 जुलाई 2021 को। ओके, थीम क्या था इस डायलॉग का, तो गिफ्ट गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी है ना, जो इंडियाज़ का फ्लैगशिप इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर है। ठीक है, हमारा मुख्य बिंदु इसी इन्हीं चार पे था, बैंकिंग एंड पेमेंट्स, इंश्योरेंस एंड कैपिटल मार्केट, ये थीम थे इस मीटिंग के। ओके, फर्स्ट टाइम ये मीटिंग इंडिया एंड यूके के बीच में कोई फाइनेंशियल मार्केट डायलॉग के बीच में कोई मीटिंग हुआ है। ठीक है, और उसका थीम ये चार थे। ओके, योगी एंड वेल्स पॉपुलेशन पॉलिसी सेज इंक्रीजिंग पॉपुलेशन ए हर्डल इन ग्रोथ। ठीक है, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने है ना एक पॉलिसी लेके आए हैं है ना, किस दिन लेके आए थे, जुलाई 11, 2021 के है ना को, जिस दिन क्या सेलिब्रेट किया जाता है, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे सेलिब्रेट किया जाता है। उन्होंने एक पॉलिसी लेके आए हैं जिसके द्वारा पॉपुलेशन कंट्रोल की बात कही गई है। ठीक है, और उनका कहना है कि अगर पॉपुलेशन कंट्रोल होगी तो हम एक अच्छे तरीके से ग्रोथ, जो सस्टेनेबल ग्रोथ की जो हम सपना देख रहे हैं उसको अचीव कर पाएंगे, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज जो हैं वो लिमिटेड हैं, और अगर पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी लेकिन रिसोर्सेज तो वैसी की वैसी उतनी की उतनी ही रहेगी, बट है ना, तो हमें इफ़ेक्टिवली यूज़ करने के लिए रिसोर्सेज को है ना, इफ़ेक्टिव डेवलपमेंट के लिए पीपल के है ना, हमें क्या करना पड़ेगा, पॉपुलेशन को कंट्रोल करना ही होगा ताकि सभी तक हम इक्वली जो है ना रिसोर्सेज को पहुंचा सकें। ठीक है, उन्होंने एक बिल लेके आया है अपने लेजिस्लेटिव असेंबली में। ठीक है, उस बिल के मुख्य पॉइंट क्या है, वैसे पीपल जिनके दो या दो से ज़्यादा बच्चे होंगे यूपी में, ठीक है, वो वोट मतलब वो इलेक्शन में खड़े नहीं हो सकते लोकल बॉडीज के, जैसे पंचायती राज या म्यूनसिपल्टीज के इलेक्शन में वो खड़े नहीं हो सकते, वो किसी जॉब के लिए गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, उन्हें किसी प्रकार की सब्सिडी नहीं दी जाएगी। ठीक है ना, उन्होंने है ना इस बिल का एम यही है ताकि हम क्या कर सकें, पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सकें, स्टेबलाइज कर सकें, ताकि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट के सपने को पूरा कर सकें। ओके, ये जो लॉ होगा, ये बिल जब पास हो जाएगा तो लॉ बनेगा, लॉ बनने के बाद ये किस पे अप्लाई होगा, तो वैसे बॉयज़ पे जिनकी उम्र 20 ईयर्स से ज़्यादा हो एंड ऐसी गर्ल जिनकी एज 18 ईयर्स से अबव हो। ठीक है, और वैसे कपल जो इस पॉलिसी को फॉलो करेंगे उनको गवर्नमेंट के द्वारा कुछ पॉक भी दिया जाएगा। ओके, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल कोचेयर 24th सेशन ऑफ इंडिया इटली जॉइंट कमीशन फॉर इकोनॉमिक कॉपरेशन। ठीक है, 21st है ना जॉइंट कमीशन फॉर इकोनॉमिक कॉपरेशन हुआ है ना, किसके किसके बीच में, इंडिया एंड इटली के बीच में, इसको कोचेयर किसने किया है, तो हमारे कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल ने इसे किया है। ठीक है, एंड 20th जो जॉइंट कमीशन फॉर इकोनॉमिक कॉपरेशन था वो कहाँ हुआ था, न्यू दिल्ली में हुआ था। ओके, सेंट्रल गवर्नमेंट ने रीऑर्गेनाइज किया है कैबिनेट कमेटी, हमारे जो कैबिनेट कमेटी है ना उसको रीऑर्गेनाइज किया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने। ये कैबिनेट कमेटी होता क्या है, तो ये एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ना ही एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ना ही एक है ना
ना ही एक स्टेचुटरी बॉडी है, ये एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है जिसको बनाया जाता है ताकि कैबिनेट मिनिस्टर की है ना जो वर्कलोड रहती है उसको कम किया जा सके, या फिर कोई कोई भी मैटर को अच्छी तरीके से डिस्कस किया जाए, ठीक है। इसके लिए कैबिनेट कमेटी बनाई जाती है, ठीक है। ये ऑन द बिहाफ ऑफ कैबिनेट है ना ये कुछ भी डिसीजन ले सकते हैं, ओके। तो है ना इसमें कुछ रीऑर्गेनाइजेशन हुआ है, कुछ मेंबर इंक्लूड हुए हैं, कुछ एक्सक्लूड किए गए हैं फिर है ना, ओके। हमारे पर जो जिस कैबिनेट कमेटी को रीऑर्गेनाइज किया गया वो नीचे दिए गए हैं, ठीक है। पहला है कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर है ना, इसे हम सुपर कैबिनेट ही बोलते हैं, ठीक है। इसको हेड किया जाता है पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा और इसमें 12 मेंबर हैं, ओके। दूसरा कमेटी है कैबिनेट कमेटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर, जिसको हेड करते हैं हमारे मिनिस्टर ऑफ डिफेंस राजनाथ सिंह करते हैं और इसमें 9 मेंबर्स हैं, ओके। तीसरा कमेटी है कैबिनेट कमेटी ऑन इन्वेस्टमेंट एंड ग्रोथ, इसको हेड करते हैं हमारे पीएम नरेंद्र मोदी और इसमें 8 मेंबर्स हैं, ओके। फोर्थ कमेटी है हमारे कैबिनेट कमेटी ऑन एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट, इसको हेड करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इसमें 9 मेंबर्स हैं, ओके। पांचवा हमारा कमेटी है कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, इसको हमारे पीएम नरेंद्र मोदी हेड करते हैं और इसमें 4 मेंबर्स हैं, ओके। छठवा हमारा कमेटी है अपॉइंटमेंट कमेटी ऑन कैबिनेट है ना, जो अपॉइंटमेंट के मैटर है ना कॉन्स्टिट्यूशनल अपॉइंटमेंट या बड़े बड़े अपॉइंटमेंट को देखता है, उसमें 2 मेंबर्स हैं हमारे, पहले मेंबर है हमारे पीएम नरेंद्र मोदी, दूसरे मेंबर हैं इसके है ना मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के मिनिस्टर अमित शाह, ओके। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम एंड राजस्थान गवर्नमेंट बिकम पार्टनर्स टू इम्प्रूव टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ठीक है। राजस्थान गवर्नमेंट ने वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के साथ एक पार्टनरशिप किया है ताकि टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को है ना अच्छी तरीके से इम्प्रूव किया जा सके और ज़रूरतमंद लोगों तक हम इसकी जो सर्विसेज है वो पहुँचा सकें, ठीक है। तो राजस्थान गवर्नमेंट ने वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के साथ ये पार्टनरशिप किया है ना। इसरो कंडक्ट थर्ड लॉन्ग ड्यूरेशन हॉट टेस्ट ऑफ विकास इंजन फॉर गगनयान प्रोग्राम। गगनयान प्रोग्राम क्या है हम जानते हैं, गगनयान प्रोग्राम हमारा इंडियाज फर्स्ट ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम है। इस मिशन के द्वारा, इस प्रोग्राम के द्वारा हम फर्स्ट टाइम है ना ह्यूमन को, इंडिया फर्स्ट टाइम ह्यूमन को स्पेस में ले जाएगा, ठीक है। और इसको है ना इस स्पेस व्हीकल्स को किसके द्वारा ले जाया जाएगा, तो GSLV MK3 जो रॉकेट है व्हीकल है उसके द्वारा ले जाया जाएगा, ठीक है। और इसमें एक इंजन, न्यू इंजन इसमें डाला जा रहा है, वो कौन सा इंजन है, विकास इंजन है ना, जो इसरो के द्वारा क्रिएट किया गया है, उसकी थर्ड लॉन्ग ड्यूरेशन हॉट टेस्ट किया गया और वो सक्सेसफुल रहा, ओके। डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग फॉर कॉपरेशन इन पोलर बायोलॉजी। पोल है हमारा, जानते हैं हमारा एक नॉर्थ पोल है एंड साउथ पोल है, यहाँ पे जो भी बायोलॉजी होगी है ना, फ्लोरा फौना होंगे उनके बारे में है ना रिसर्च किया जाएगा दोनों कंट्रीज के द्वारा मिलके, इसलिए एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुई है, ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस दोनों के बीच में। हमारी ये दोनों हमारी ही डिपार्टमेंट है, इंडिया की ही डिपार्टमेंट है, दोनों मिलके क्या करेंगी, रिसर्च करेंगी पोलर बायोलॉजी के ऊपर है ना। इंडियाज फर्स्ट ग्रीन ATM सेटअप इन एज पायलट प्रोजेक्ट इन गुरुग्राम हरियाणा, ठीक है, ताकि PDS सिस्टम अच्छे तरीके से क्या हो सके, इम्प्लीमेंट हो सके, ठीक है। इसलिए ग्रेन ATM का मतलब, ग्रेन मीन्स क्या होता है, अनाज, ग्रेन ATM का इस्टेब्लिशमेंट हुआ है गुरुग्राम हरियाणा में, ओके। है ना, और ये फर्स्ट ग्रेन ATM है इंडिया का, पूछेगा क्वेश्चन में फर्स्ट ग्रेन ATM कहाँ पे सेटअप किया गया है, तो वो गुरुग्राम हरियाणा में किया गया है, ओके। हमारा 18th न्यूज है, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर मीटिंग विथ स्टेट काउंसलर एंड फॉरेन मिनिस्टर ऑफ चाइना HE मिस्टर वांग ये ऑन साइड लाइन ऑफ SCO फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग। एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हमारे जो है एस जयशंकर का मीटिंग हुआ
स्टेट काउंसलर फॉरेन मिनिस्टर जो चाइना के थे, कौन, मिस्टर वांग ये, है ना। ये कहाँ कब हुआ, जब SCO का एक फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग चल रही थी, उसके साइडलाइन में दो मिनिस्टर्स मिल के बातें कि ये कुछ कुछ रखे मुद्दे दोनों के बाद, साइड लाइन वाला ये डिस्कशन था, मीटिंग था, है ना। इंडिया जब जापान रूटेड इन हिस्ट्री, इंडिया एंड जापान शेयर सेम फंडामेंटल वैल्यूज, जापान पीएम के पीएम ने बोला है कि इंडिया और जापान एक ही तरह के फंडामेंटल वैल्यूज रखता है, ठीक। इस बात को वहाँ के पीएम ने बोला है, ओके। इंडिया श्रीलंका एंड मालदीव कंडक्टेड टीटीएक्स में ट्राइलेटरल टेबल टॉप एक्सरसाइज, है ना, किसने किसके के बीच में हुआ है, इंडिया श्रीलंका एंड मालदीव के बीच में हुआ है, ठीक है। एक क्या है, एक मार्टिम एक्सरसाइज, सिक्योरिटी एक्सरसाइज है, ठीक है, है ना, समुद्री अभियान मतलब एक एक्सरसाइज है जिसको कंडक्ट किया गया इंडिया श्रीलंका एंड मालदीव के द्वारा, ठीक है। और ये कहाँ पर हुआ, मुंबई में, ओके, जुलाई 14 और 15 को हुआ, ठीक है। किस लिए हुआ, ताकि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बनी रहे तीनों कंट्रीज़ के बीच में, है ना, और है ना, ताकि कॉमन क्राइम को तीनों मिलके टैकल कर सकें, ठीक है। ऑपरेशन सागर आरक्षा सेकेंड, ठीक है, ये इंडियन कोस्टल गार्ड और श्रीलंकन नेवी एंड एयरफोर्स के बीच में हुआ, ठीक है, है ना। और ये किस लिए हुआ, टू फाइट ए मेजर फायर ऑन बोर्ड द MBX प्रेस पर्ल, एक प्रेस पर्ल पे क्या हुआ था, मेजर फायर हो गया था, ठीक है, जो कि एक केमिकली लैडन कंटेनर था, और वह कहाँ पे था, कोलंबो पे था। उसको टैकल करने के लिए तीनों ने मिलके, इंडियन कोस्टल गार्ड और श्रीलंकन नेवी एंड एयरफोर्स ने मिलके एक ऑपरेशन, है ना, आरक्षा टू चलाया और इसको, है ना, कंट्रोल किया, ओके। इंडियन नेवी रिसीव्स फर्स्ट बैच ऑफ MH-60R हेलीकॉप्टर फ्रॉम US नेवी, इंडियन नेवी, है ना, MH-60R हेलीकॉप्टर US नेवी से, है ना, लिया फर्स्ट बैच, है ना, इंडिया वो आ गया है इंडिया में, कुछ और आने बाकी हैं, ठीक है। ये हेलीकॉप्टर ट्रांसफ़र किए गए एक इवेंट के द्वारा, जिसको अटेंड किया गया तरनजीत सिंह संधू, जो कि क्या है, इंडियन एम्बेसडर टू USA, USA में इंडिया के एक एम्बेसडर हैं, दूत हैं, ठीक है। टोटल 24 लेने हैं हमें, ठीक है, और एस्टिमेट कॉस्ट बताया जा रहा है इसका $2.4 बिलियन, ठीक है। और इसको बनाया किसके द्वारा जा रहा है, इस हेलीकॉप्टर को लॉकहीड मार्टिन एक US कंपनी है, उसके द्वारा इसको मैन्युफैक्चर किया जा रहा है, ओके। तो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही था, अगर आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ओके, एंड हमें रिव्यू देते रहिए, ताकि आप और इसमें क्या ऐड ऑन चाहते हैं, कैसे चाहते हैं, क्या चाहते हैं, हमें देते रहिए, है ना। थैंक यू।